नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर हाजिर है एक और नया प्रैक्टिकल डॉट का, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कुछ खास टॉपिक पर वीडियो। हम आपको आज बताएंगे किसी भी स्त्री पुरुष से मनचाहा प्यार कैसे हासिल करें। दोस्तों, ये वो तरीके टोटके हैं इनके इस्तेमाल करने से आप किसी भी स्त्री पुरुष से मनचाहा प्यार पा सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं हमसे प्यार पाने के लिए। तो ये वो टोटके तरीके हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप भी सफलता पा सकते हैं। इसमें आपको जिस सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो आपने दो कच्चे नींबू लेने हैं छोटे छोटे, अपने जैसे ही पेड़ से तोड़कर लेकर आने होंगे आपने, और इस प्रकार से अपने लेने के पश्चात दो लौंग चाहिए होगी और एक अपने व्हाइट पेपर लेना है और एक अपने काला पेन लेना है, लाल पेन आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है और इसके पश्चात प्रैक्टिकल टोटका इस वीडियो में आपको करके दिखाया जाएगा कि कैसे आप स्त्री पुरुष से मनचाहा प्यार हासिल कर सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं और दोस्तों अपनी हर बात उनसे मनवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और प्रैक्टिकल टोटका जानिएगा कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्रिया क्या करने वाली बात है कि मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है और आगे भी हम आपके लिए बहुत से ऐसे फाइट उठ के लेकर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैसे क्रिया काम करती है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि व्यक्ति बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी परेशानियों में जूझते रहते हैं, वशीकरण तो करना चाहते हैं उनको समझ नहीं आता कि वशीकरण काम कैसे करेगा और कैसे ये क्रियाएं चलती हैं, तो उन सब के लिए टोटका बहुत ही खास रहेगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं। तो अपने इस प्रकार से एक कच्चा नींबू लेना होगा और उनके ऊपर जिस भी स्त्री पुरुष से अपना कोई प्यार पाना चाहते हैं उनका नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने इस पर लिखा है कोमल। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से अपने नाम लिखना होगा और दूसरे नींबू पर, कच्चे नींबू पर अपने अपना नाम लिख लिया है। इसमें मैंने लिखा है रमेश। इस प्रकार से अपने दोनों ही नींबू पर ऐसे नाम लिख लेने हैं, एक पर अपना और दूसरों को अपने जिसको वशीभूत करना है उनका नाम लिखना, और इस प्रकार से अपने हथेली पर रख लेने हैं और ऊपर से अपने दो जो लौंग रखी हुई हैं इनको भी उठाना है और ऐसे ही इन्हें मुट्ठी में बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के पश्चात क्या करना है, आपने एक जो कागज लिया था उसके कागज के ऊपर आपने जिस इंसान को वशीभूत करना है उनका नाम फिर से लिखना होगा, जैसे कि मैंने इस पर लिखा था कोमल, तो आपने ऐसे ही लिख लेना है। ये लिखना होगा आपने 151 बार। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखने होंगे, 151 बार आपने ये नाम लिखना होगा। उसके तुरंत पश्चात नीचे मंत्र लिखेंगे, ओम नमः नमो वश्यै नमः स्वाहा। ये मंत्र है, प्रभावी पावरफुल मंत्र है, इसे आपने देखना होगा तभी आपका कार्य आसानी से बनेगा। दोस्तों, ये अपनी हथेली में रखने के बाद ही आपने मंत्र लिखना है, ये बात अपने ध्यान योग्य है। दोस्तों, अब ऐसा आप कर लेते हैं इसके तुरंत पश्चात आपने इसका जाप करना भी शुरू कर देना है और ऐसे ही अपनी हथेली एक ऐसे उंगली अपने रख लेनी होती है दोस्तों और मंत्र का जाप शुरू करना है 551 बार। जैसे ही जाप कर लेंगे तो दोस्तों ये क्रिया अपने आंखें बंद ही करनी है और आंखें खोलने के पश्चात आपने इन्हें तुरंत जो भी अपने कच्चे नींबू लिए थे उन्हें ऐसे डाल देना है। दोस्तों, इस प्रकार से अपने डालने के पश्चात इन्हें कागज को फोल्ड करेंगे हम। दोस्तों, सही तरीके से अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आप जरूर सफलता पाएंगे। इस प्रकार से अपने फोल्ड करना होता है और दोस्तों उसके ऊपर आपने लाल परांठा लपेटना होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक लाल परांठे की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार से आपने इसके ऊपर लपेट देना है। दोस्तों, इस तरीके से ये क्रियाएं की जा सकती हैं और किसी भी मनचाहा प्यार हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, और ये करने के पश्चात आप जिस स्त्री पुरुष से प्यार करते हैं, जिसे पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनका नाम लेते हुए अपने चलते पानी में बहा दे दीजिएगा और आपका कार्य आसानी से बन जाएगा। दोस्तों, ये वो प्रैक्टिकल टोटका था जो आज हमने आपको बताया, जिससे कि लोग सफलताएं हासिल कर सकते हैं और आपको दिखाया गया करके भी दोस्तों इस तरीके से आप वशीकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपके लिए खास बातचीत करेंगे दोस्तों, उसमें प्रैक्टिकल टोटका बताएंगे। तो जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों।